एक फुट बसी ले नीचे स्वाभाविक है जो लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे वो होंगे नहीं चाहिए नहीं वो आर्या के जैसे बुढ़ा जी हैं अपना सूर्य वाला जी हैं ये लड़ेंगे हैं अपना हुड्डा जी हैं पहले ऑलरेडी वहाँ पार्लियामेंट के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी हैं ऑलरेडी सिटिंग एम पी और भी जहाँ पार्टी जहाँ मजबूत आदमी जिसको भी समझेगी पार्लियामेंट में उसको उतारेंगे ये तो निश्चित है जो दिग्गज होंगे वो उतारे जाएंगे। 2019 इलेक्शन के लिए अभी कांग्रेस का क्या एजेंडा होगा? 2019 के इलेक्शन का ही चल रहा है कि पूरे देश के अंदर जो ये सांप्रदायिक राजनीति चल रही है इसको खात्मा करने के लिए देश में से इसको भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तो देश के हालात एकदम जो नफरत का इस समय जो माहौल चल रहा है उसको दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी मिल जुल करके सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा। अब की बात उनकी बात है कांग्रेस की नीति है दागी को तो मेहता जी पिछले काफ़ी समय से आपके कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं तो क्या हम अब की बार मानने के मेहता जी ने कितने दिए गए जो भी जहाँ अच्छा और स्वच्छ छवि का व्यक्ति होगा उसी को आज में जन क्रांति यात्रा जी और इस समय आज हम जो आए हैं जन क्रांति यात्रा का छठा चरण पेहवा में है 9 तारीख को रैली होगी और माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रदेश स्तर पर अमन प्रेम भाईचारा विकास के मद्देनजर ये सारे प्रदेश में चरण वाइज रथ यात्रा चल रही है। सबसे पहले मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में होटल से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी छठे चरण में है और लोगों का जो भारी जोश और उत्साह और उमंग लोगों के अंदर देखने को मिल रही है तो पूरी तरह से लग रहा है कि इतना भारी जन समर्थन इस जन क्रांति यात्रा को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीते। प्रदेश में गठबंधन चल रहा है जीने व्यवस्था आपकी राय में क्या है क्या स्थिति? कुछ नहीं कांग्रेस अपने आप में ही बहुत मजबूत पार्टी है। गठबंधन पहले भी हुआ था NL और BSP का और उस समय भी जब गठबंधन हुआ था तो आपको ध्यान होगा कि 5 बजे वोटिंग खत्म हो रही थी और 3 दिन बाद गिनती थी तो चौटाला साहब ने गिनती तक इंतजार नहीं किया था। जिस दिन वोट पड़ रही थी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके BSP से गठबंधन तोड़ के अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्थन पहले ही दे दिया था जब तक डब्बे नहीं खुले थे। ये तो बहुत विश्वासघाती पार्टी है। ये BSP के साथ दोबारा भी यही होने जा रहा है। इन्होंने गलत ये लिया है मौका प्रस्त पार्टी और ये गठबंधन जो सिद्धांतों के विपरीत है इनकी विचारधारा ही मेल नहीं खाती। चौटाला जो है पूरी तरह से भाजपा से ये मिले हुए हैं भाजपा के बी टीम है। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने BJP को समर्थन दिया उपराष्ट्रपति के चुनाव में दिया उपसभापति के चुनाव में दिया अविश्वास प्रस्ताव जो उनके आया तो उसमें भी उन्होंने बायकॉट करके उनको डायरेक्ट समर्थन दिया तो ये तो BJP की ही बी टीम है तो ये जो मंसूबा पाले हुए हैं इनके मंसूबे रखे रह जाएंगे। कांग्रेस भारी बहुमत से आ जाएगी और हमारे दर तो नारा लग रहा है क्योंकि गरीब लोगों पर अत्याचार करने वाले थे NL के लोग हैं लोकदल के लोग हैं। हमारे दल तो नारा लगा हुआ है कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर गोली मारेंगे छाती पर तो उनको कहा इनको जो है BSP का कोई वोटर इनको वोट दे रखती है आपने पर ये BSP के कैंडिडेट वोट नहीं देंगे। कई प्रदेश में कांग्रेस बसपा के साथ है तो और अभी चर्चा भी है कि सेंटर में या प्रदेश में शायद कांग्रेस बसपा के साथ जा सकती है तो क्या कांग्रेस हाथी पे चढ़ेगी? हाँ हो सकता है परिस्थितियाँ ये तो ऊपर लेवल की है तो क्योंकि BSP से गठबंधन की उत्तर प्रदेश में भी बात चल रही है
और राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी बातें चल रही हैं, अगर वहाँ गठबंधन बना तो फिर स्वाभाविक है कि हरियाणा में भी हो सकता है। और वैसे जो है कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है, किसी भी गठबंधन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अगर गठबंधन हमारे तो पहले जनता से गठबंधन, अगर कोई आवश्यकता पड़ी ऊपर से कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो बीएसपी को साथ में जोड़ सकते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सभी पार्टी इकट्ठे होकर बीएसपी कांग्रेस सपा सभी इकट्ठे होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ी, और राहुल गांधी ने अभी लंदन में कहा कि इस बार बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टी एक होकर चुनाव लड़ेगी, तो ऐसा होने के बावजूद भी कांग्रेस इनेलो और बीएसपी का गठबंधन कैसे हो गया हरियाणा? नहीं, इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हुआ है उसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, उनके कोई बातचीत चल रही है, कोई परिस्थिति उनका हुआ होगा, क्योंकि जब तक कांग्रेस से तो बात चली नहीं, कांग्रेस का तो कोई इस तरह की परिस्थिति बनी नहीं और ना भी हरियाणा में कोई ऐसी आवश्यकता समझी गई। राहुल गांधी है नहीं, और बीजेपी की बात है ना, वो वहीं जहाँ पर बीजेपी मजबूत है, यहाँ तो बीजेपी भी था भी कहाँ, यहाँ तो बीज के लिए नहीं थी बीजेपी, कहाँ थी पहले, चार चार पाँच पाँच सीटें आती थी, ज़्यादातर मोस्टली जमान जब्त हुआ करते थे बीजेपी, ये तो बीच में ये ऐसे वो बना कि लोग आगे झूठ में फ्रेम में जो जुमलेबाजी और जो झांसेबाजी दी नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें लोग बहकाए में आ गए, उनका जो ना पूरा चिट्ठा खुल गया, अब ये वहीं पर उसी पर जगह चार पांच सीट पर आ गए। अभी हरियाणा में 2 तारीख को एक नई पार्टी गठन होने जा रहा है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, एक हरियाणा के अंदर शिरोमणि अकाली दल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि हम 90 के 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। कोई भी पार्टी अपना चुनाव लड़ सकती है, यहाँ तो जब ममता जी की पार्टी नहीं लड़ा था पिछली बार तो अकाली तो पार्टी हमारे पंजाब हरियाणा को मिलाए हुआ, पहले तो हमारा एक ही था और अकाली तो पहले भी चुनाव लड़ते हैं। उन सुनने में आया है कि वो कहते हैं कि हमें किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा तो हम गठबंधन करेंगे, तो किस पार्टी के साथ गठबंधन की उम्मीद है उनकी? अगर अकाली दल यहाँ से चुनाव लड़ रहा है तो हमेशा ये दोनों भाई भाई हैं और पगड़ी पड़ता याद है चौधरी देवीलाल जी और प्रकाश सिंह बादल, और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे, एक दूसरे से मिलकर के चुनाव लड़ते रहे, पहले भी इन्होंने मिलकर के चुनाव लड़ा है। ये तो जो है ना ड्रामेबाजी है कि जो ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, और ये कोई प्रेशर डालने होंगे कुछ सीट इनको और फालतू में, और कुछ नहीं है, ये कोई अकाली दल जो है ना प्रदेश में नहीं लड़ने जा रहा है। किस चीज़ की जो हाईकोर्ट जो रोक लगी है उसके लिए सभी पाबंद हैं, और जहाँ जाट आरक्षण में तो पूरा इनका चेहरा बेनकाब हो गया, प्रकाश कमेटी किसने बनाई थी? बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाई थी, प्रकाश कमेटी को आज तक क्यों नहीं पब्लिक किया, क्यों नहीं विधानसभा के पटल पर रखा गया, क्यों नहीं उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट अब तक जारी की गई, कोई भी जो है ना उसकी तरफ जो प्रकाश कमेटी जो सारे जो है इनकी तरफ जा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ऑफिस तक उसमें इन्वॉल्व है, जहाँ से हो है इनके मंत्री सारे उसमें इन्वॉल्व है, वो ये इनकी हिम्मत नहीं है जो प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट को ये जो सदन के पटल पर रखें, जो कमेटी इनके द्वारा जो बनाई गई इंक्वायरी के लिए उसको क्यों दबाए बैठे, वो इनको जनता के सामने रखनी चाहिए, विधानसभा के पटल पर रखना चाहिए, इनके चोर की दाढ़ी में तिनका है, इनको पता है कि खुद इसमें फंसे हुए। ये जनसंघ की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन क्रांति यात्रा चलाई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अंदर अमन भाईचारा कायम करने का, विकास का, जो भाजपा सरकार जिसको ना भारत जलाओ पार्टी कहते हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश को 3 बार आग में धो दिया, 80-80 लोग यहाँ पर पुलिस की गोली से उड़ा दिए, पूरा जो है जात बरादरी में मजहब में लोगों को बांटने का इनके द्वारा प्रयास किया गया, तो उसको जो नज़दीक लाने के लिए दोबारा से अपना
अमन कायम करने के लिए, प्रेम प्यार भाईचारा बढ़ाने के लिए, इस जन क्रांति यात्रा के माध्यम से जगह जगह संदेश पहुंचाने के लिए इसका जो आह्वान किया, साथ ही जो एक डेवलपमेंट के लिए आगे रखने के लिए हमारा क्या दृष्टिकोण होगा, हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं और हमने पीछे क्या किया, वो सारी चीज़ को प्रकाश में डालते हुए सारे इसको जन क्रांति रथ यात्रा के माध्यम से हम सभी जिलों में जा रहे हैं और लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं। सर, क्या कारण है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी की सभी पार्टियां गठबंधन में लगी हैं, एकजुट हो रही हैं, सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसके नेता जो है सब अलग अलग यात्राएं कर रहे हैं या अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं, इसके बाद नहीं कोई नेता, बिल्कुल सब एकजुट है, सबका नेता राहुल गांधी है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी है और कोई आपस में लड़े हुए नहीं, सब अपने अपने मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और नहीं बड़ा परिवार तो है ही है, तो जो भी कर रहे हैं कोई पार्टी विरोधी तो कोई गतिविधि में शामिल है नहीं, सारे पार्टी को मजबूती कर रहे हैं, रोज कांग्रेस ही कांग्रेस छाई रहती है, चाहे किसी कोने में देख लो अखबार उठाओगे तो कोई ना कोई कांग्रेस के नेता का कार्यक्रम हो, कांग्रेस जो है पूरे जो आम जनता से जुड़ी हुई पार्टी है, सारे नेता अपना एफर्ट्स मेहनत कर रहे हैं, कोई गुटबाजी नहीं है और जो हाईकमान को पहले ही राहुल गांधी जी को सोनिया गांधी जी को पहले ही उनको एथराइज कर रखा है सारी एकजुट होकर के पार्टी ने, हुड्डा साहब ने प्रस्ताव पेश किया था जब हमारी मीटिंग हुई थी, उनको एथराइज कर दिया था कि नेतृत्व के लिए जिसको भी वो कहेंगे और वो मनाए, तो ये उनका काम है।